कोई भी मुसलमान वो एससी एसटी ओबीसी को एससी एसटी ओबीसी मानता ही नहीं, जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है। ये एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं ना, ये ही अपना सत्यानाश करते हैं। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के, ये पढ़े लिखे लोग ही ऐसा होते हैं। सबसे पहले अगर बात थोड़ा आपको ये बात समझ में आ गया तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी को पूछो तो ये लोगों के धर्मशास्त्र क्या है तो बोलेगा वे श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, ये हिंदुओं के धर्म है। ये तो ब्राह्मणों के धर्म है, हिंदुओं के धर्म। तो ये बात हमको समझना होगा। हम तो खुले छाव अम्बेडकर की बातें करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है। एक तो ऊंची विचारधारा समझ में आती नहीं हमारे लोगों को, इसीलिए सारे देश भर में हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की है ताकि लोगों को समझ में आ जाए एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। इसलिए ये बात थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि यहाँ पर हमारे साथ मिलकर काम करना है तो एक काम करने की विचारधारा है, और विचारधारा के शब्द है जो शब्द को लेकर हम चलते हैं वो विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। हिंदू मुसलमान ये ब्रह्मिक सोशल ऑर्डर की टर्मिनोलॉजी है। नैरेटिव सारे देश भर में चलाया जाता है हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। ये जो नैरेटिव है, ये जो सिद्धांत है या ये जो प्रचार का तरीका है, इससे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोग सही रास्ते पर चल पाए। कम से कम जो ब्राह्मणवादी प्रचार माध्यम है वो ये कहता है, वो ये लिखता है, वो ये बोलता है हिंदू मुसलमान। कोई भी मुसलमान वो एससी एसटी ओबीसी को एससी एसटी ओबीसी मानता ही नहीं, जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है। ये जो नैरेटिव है या ये जो सोचने का, बोलने का, अभिव्यक्त करने का, लिखने का ये जो तरीका है, इसने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया। इससे ज्यादा नुकसान किसी दूसरे सिद्धांत के द्वारा नहीं हुआ। तो हम लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिव चाहिए, दूसरा सिद्धांत चाहिए। तो हम तो ये सिद्धांत लेकर चल रहे हैं ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, ये हमारी टर्मिनोलॉजी, हमारी टर्मिनोलॉजी हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारी शब्दावली हिंदू मुसलमान की नहीं, हमारी शब्दावली एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। जब कोई आदमी हिंदू मुसलमान के टर्मिनोलॉजी में बात करता है तो वो हमारी विचारधारा किस आधार पर अभिव्यक्त करेगा, तो उनकी लाइन हो गई है, उनके शब्द हो गए हैं, उनके तरीके हो गए हैं। देखो जो विचारधारा होती है उसके अपने भी शब्द होते हैं। जो हिंदू मुसलमान की टर्मिनोलॉजी वाले जो लोग हैं वो कभी बहुजन बोलते बोलते नहीं, खबरदारी लेते हैं ना। आखिर कोई भी बात
जो अभिव्यक्त की जाती है, बोली जाती है, तो वो लोगों को ध्यान में रखते बोली जाती है। वो ऐसा बनाना चाहते हैं जो मुसलमान। अब ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, ये बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। जब आप हिंदू मुसलमान बोलते हैं तो ये 3.5 छूट जाते हैं। ये 3.5 किसमें छूटते हैं? हिंदू में छूटते हैं। ये SC ST ओबीसी के जो लोग हैं ना, ये ही अपना सत्यानाश करते हैं। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं SC ST ओबीसी के, ये पढ़े लिखे लोग ही ऐसा होते हैं। सबसे पहले अगर पांच थोड़ा आपको ये बात समझ में आ गया जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी को पूछो तो ये लोगों के धर्मशास्त्र क्या है, तो बोलेगा वे श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता। ये हिंदुओं के धर्म है। ये तो ब्राह्मणों के धर्म है, हिंदुओं के धर्म, ये तो ब्राह्मणों के धर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेद अगर मान लो वर्ण व्यवस्था का निर्माण करता है और मानता है, तो तमाम 52% लोग जिसको ओबीसी माना गया उसको शूद्र घोषित करता है, उसको शूद्र घोषित करता है। शूद्र घोषित करता है का मतलब है ये अधिकार वंचित है। अधिकार वंचित का एक अर्थ ये है गुलाम। जो हमको गुलाम मानता है वो धर्म ग्रंथ हमारे हो सकते हैं, तो जाहिर आदमी बोल सकता है ना, बोलते जाहिर तो यहां जाहिर बैठे नहीं है ना। यहां कोई आदमी 1000 रुपए का टिकट निकाल कर जाहिर का क्या आएगा? जाहिर को थोड़ी बुलाया है, है? जो आदमी 1000 का टिकट निकाल कर यहाँ आएगा वो जाहिर थोड़ी होगा, और जो जाहिर होगा वो आएगा नहीं। ये बात ध्यान रखो, जो जाहिर होगा वो इधर नहीं आएगा, और भूल से अगर आ गया तो अगली मीटिंग में नहीं आएगा, अच्छी बात में नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान में SC ST OBC के तौर पर आपको रिकॉग्नाइज किया, ये तो कम से कम मालूम होना चाहिए। SC ST OBC को संविधान ने आपको रिकॉग्नाइज किया, पहले तो आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद राइट दिया ना SC ST OBC के नाम पर। तो जिस संकल्पना के आधार पर आपको राइट मिले हैं वो बात बोलने के लिए आप लोगों को क्या दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशन में ब्राह्मण धर्म ने आप लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया है, अधिकार वंचित किया है। जैसे शूद्र का उदाहरण मैंने आपको दिया, तो वर्णा सिस्टम में शूद्र है, वर्णा सिस्टम में शूद्र है, और शूद्र कौन है? तो ज्योतिराव फुले कहते हैं ये जो आज का पिछड़ा वर्ग है ओबीसी वो शूद्र है। शेड्यूल कास्ट कौन है? तो बहुत सारे पढ़े लिखे जो शेड्यूल कास्ट के गधे लोग हैं वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे वो गधे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि वो शूद्र है। शरूर का शूद्र नहीं है, शरूर का सो अछूत है। अछूत में और शूद्र में फर्क है। अगर आप हमारे महापुरुषों की बात करो तो आपको यह बात समझना होगा, जानना होगा।
और ये जो शुभकास्त है ये वर्णा सिस्टम के आउट है, बाहर, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी में इनको कहा आउटकास्ट, ये वर्ण बाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग तीन लोग, एक शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल ट्राइब है, एक नॉमिनी ट्राइब है। ये तीन सामाजिक समूह है जो वर्ण सिस्टम से बाहर है। शूद्र वर्ण सिस्टम में अंदर है मगर अधिकार के बाहर है, और जो एससी एसटी एनटी है ये वर्ण सिस्टम के बाहर है। तो ये जिन लोगों ने बनाया उनके धर्म ग्रंथ हमारे धर्म ग्रंथ कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये बात हमको समझना होगा। हम तो पूरे छाव अम्बेडकर की बातें करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है। एक बार एक तो ऊंची विचारधारा समझ में आती नहीं हमारे लोगों को, इसीलिए सारे देश भर में हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की है ताकि लोगों को समझ में आ जाए एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। इसलिए ये बात थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि यहाँ पर हमारे साथ मिलकर काम करना है तो एक काम करने की विचारधारा है, और विचारधारा के शब्द है जो शब्द को लेकर हम चलते हैं वो विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। हिंदू मुसलमान ये ब्राह्मणिक सोशल ऑर्डर की टर्मिनोलॉजी है, और इसने बहुत भारी नुकसान किया कि जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू है। मुसलमान भाइयों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बहुत देश भर में कर रहा हूँ, कि हमको आपने गधा कहा तो बुरा नहीं लगेगा, हिंदू कहा तो बहुत बुरा। आपने एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के अकाउंट में जमा किया तो आपने हमारा अकाउंट जीरो कर दिया, तो आपने जीरो अकाउंट कर दिया तो हमने आपका कौन सा बिगाड़ा है? आपका कौन सा बिगाड़ा भाई हमने? ये आपका जीरो ही कर दिया और हमारा सारा अकाउंट ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा कर दिया। अरे संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है, संख्या के अनुपात में एजुकेशनल रिजर्वेशन है, संख्या के अनुपात में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। आपने अगर उनके अंदर शामिल कर दिया, जीरो कर दिया, तो फिर तो आप ही हमारे ब्राह्मण तो बाद में दुश्मन हो गए, आपको ही दुश्मन घोषित करना पड़ेगा। विचारधारा को समझने की जरूरत है। नहीं समझ में आता है तो ये सीखने की आवश्यकता है। हमारी अलग आइडियोलॉजी है, उसे शब्द है, फिर शब्दावली अलग। अब हिंदू मुसलमान के टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करते। आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हिंदी करो 85% आइडेंटिफाइड, और आइडेंटिफाइड है, रिकॉग्नाइज है, और राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज है, मान्य है, ये कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर भारत के पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं, और हजार से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं। ये सारे कुना पैक्ट के तहत जो जॉइंट लोकेट है उसमें चुनकर जाते हैं, और इस वजह से ये जो कुना पैक्ट है गांधी जी ने फोका, उसकी वजह से ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के दलाल और भड़ुए लोग चुनकर जाते हैं। ये बाबा साहब का कहना है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, अरे तो जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं 131 है, बोलता है कोई कोई बोलता है हमारे हक और अधिकार के लिए हर पार्लियामेंट सारी पार्लियामेंट बंद होनी चाहिए, बोलता ही नहीं है।
क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो एस्टेब्लिश पार्टियों के द्वारा टिकट देकर उनको चुनाव कराया जाता है। तो बोलो आप सुने, देखो आप किसान के बेटे हैं तो आपके घर में गाय होगी, उसका मान लो बच्चा है और वो जवान हो गया, तो जवान बच्चा जो है उसको बैल बनाने के लिए क्या करते पता है? मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मालूम है, डिटेल बताना नहीं पड़ेगा। हाँ तो वो शरुका शरुका का जो एमएलए एमपी है उसको वैसे ही है। ज्यादा डिटेल नहीं बोलता फिर भी आपको समझ में आ रहा है, कुछ लोग समझदार है ऐसा मान के चलता हूं। तो हम लोगों को सारी विचारधारा के आधार पर हम ज्ञान करता हुए हैं, तो मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचारधारा की जो शब्दावली है उसे बात करो, कोई बात नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हिंदू मुसलमान की टर्मिनोलॉजी या तो कांग्रेस में होती है तो बीजेपी में होती है, तो ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% लोग अगर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहे तो 3.5% के वोट के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच भी चुनकर नहीं आ सकते, सरपंच बनने का सवाल नहीं है। जो लोग गांव में सरपंच नहीं बना सकते वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, कैसे? हिंदू मुसलमान के नाम पर। क्योंकि वो जो एससी एसटी ओबीसी है वो हिंदू के नाम पर गायब हो जाता है, 52% ओबीसी को क्यों नहीं मिलता? 52% हिंदू का झंडा उठाता है। एससी एसटी ओबीसी जो आदमी हिंदू का झंडा उठाएगा तो इसलिए मैं आगे के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान रखो कि हम लोगों को अपने हक अधिकार स्टैब्लिश करने हैं तो हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, उस दायरे में रहकर आप बात करो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, यही हम चाहते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।